हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं एक हेल्दी नाश्ता, प्रोटीन से भरपूर। मैंने 2 कप पानी ले लिया है, इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। 1 मिर्च को लच्छे में काट लिया है। आपके पास चिली फ्लेक्स हो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, ये अच्छे से घुल जाए। उसके बाद मैंने 1 कटोरी सूजी डाल रही हूँ। इसे फ्लेम को मैं हल्की कर रही हूँ, इसे आराम से मिल जाए। ये बारीक सूजी है, आपके पास मोटी हो तो मिक्सी में पीस सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच ऑयल लगा लिया है, अच्छे से मिला के इसे हम मिलाते रहें। ये सारा सब कुछ मिक्स हो गई है और ये ठंडा करने के लिए तब तक रखती हूँ। और ये साबुत मूंग जो मैंने रात को भिगो के रख दी थी, इसे मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। बहुत बारीक नहीं पीसना है। और ये मैंने कुछ मसाले, खड़े मसाले हैं, जिन्हें भून लेती हूँ। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच साबुत धनिया और 8-10 काली मिर्च और ये 1/2 चम्मच सौंफ, इनको मैं भी ग्राइंड में पीस लेती हूँ। इसको भी मैं दाल में मिक्स करूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, ये अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये 8-10 पत्ते मैंने करी के डाल दिए हैं, करी पत्ते। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हींग, ये मैंने अच्छे से सूजी को मिक्स कर लूँ। फिर मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट के, आप आटा लगा, हल्का सा आटा लगा लें अगर बेलने में दिक्कत होती हो, या रिफाइंड, और किसी कटोरी की किनार से इसको गोल शेप काट के और इसमें दाल भर लें। और इसे मैं एक एक करके सारे को मैं भरती हूँ और स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है ये। अब ये मेरी स्टीम हो गए हैं सारे। अब मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसमें मैं राई, 1/2 चम्मच राई और 2 हरी मिर्च डाल के इन्हें फ्राई करती हूँ। ये हमारे हो गया सूजी और साबुत मूंग की दाल का एक हेल्दी नाश्ता। रेसिपी मेरी कैसी लगी हो, आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।